साथियों, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो छल प्रपंच ये करते हैं, उसका ही परिणाम आज देश को भुगतना पड़ रहा है। आज जो आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या है, वो कैसे पैदा हुई? ये कांग्रेस सरकार की लापरवाही, उसकी नाकामी की ही देन है। साथियों, भाजपा के लिए सामान्य मानवी का जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है और राष्ट्र रक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ग्वालियर चंबल का ये पूरा क्षेत्र तो वीर वीरांगनाओं और वीर माताओं का क्षेत्र है। उन्हीं के आशीर्वाद से यहां के सपूत आतंकियों और नक्सलियों के साथ लोहा ले रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कांग्रेस के डकोसला पत्र की याद दिलाना चाहता हूं। उनका मैनिफेस्टो ये डकोसला पत्र है और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आए तो सैनिकों को मिला विशेष अधिकार हटा देंगे, देशद्रोह का कानून हटा देंगे। साथियों, सैनिकों के मान सम्मान के लिए हमारी पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए इन लोगों के मन में कोई भावना नहीं है। दशकों से हमारे देश में सेना के जवान मांग कर रहे थे कि आजाद हिंदुस्तान में बलिदान देने वाले वीर सपूतों के सम्मान में एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। हमारे देश के पुलिस के जवान जो सामान्य मानवी की सेवा में लगे रहते हैं, ये हमारे पुलिस के जवान गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, खड़े मिलते हैं। राखी का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, दिवाली हो, वो सड़क पे खड़े रह करके आपकी हिफाजत करते खड़े रहते हैं। और आप जान करके हैरान होंगे भाइयों, देश आजाद होने के बाद पुलिस की छवि लोगों ने जो बनाई होगी बनाई होगी, मैं उनके प्रति बड़ा आदर करता हूं। आजाद हिंदुस्तान में 33,000 पुलिस सामान्य मानवी की सेवा करते करते शहीद हुए हैं, 33,000। ये पुलिस वाले कह रहे थे कि नेशनल पुलिस मेमोरियल बनना चाहिए। भाइयों बहनों, 70 साल परिवार के लिए तो भांति भांति के मेमोरियल बने, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले सेना के जवानों का सम्मान करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बना, पुलिस के जवानों के लिए मेमोरियल नहीं बना। ये चौकीदार जब आया, ये सौभाग्य भी इस चौकीदार को मिला और हमने दिल्ली में बना दिया। और मैं ग्वालियर के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कहूंगा, जब भी दिल्ली का जाने का मौका मिले, जरूर इन दो तीर्थ क्षेत्रों पे जाके सर झुका के आना। दोस्तों, वो मरे हैं हमारे लिए, वो जिए हैं हमारे लिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्या देश के किसान को, देश के जवान को धोखा देने वाली कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस के कमजोर रवैये से अलग भाजपा नए हिंदुस्तान के लिए नई रीति और नई नीति पर काम कर रही है।
किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये नया हिंदुस्तान है, ये नए हिंदुस्तान की नीति है, हम घर में घुसकर मारेंगे।